बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो जनाब, यहाँ पे हम बना रहे हैं मैंगो डिलाइट। मैंगो का सीज़न जाने वाला है तो मैंने सोचा जाते जाते एक डिश और मैंगो की बना लें। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 kg मैंगो ले लिए हैं और कुछ फ्रूट्स लिए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने क्रश कर लिए हैं, बिस्किट हैं, बिस्किट के अंदर से क्रीम निकाल के तो मैंने इसमें 1 चम्मच दूध डाल के तो इसका मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम कस्टर्ड से। 1 लीटर दूध लेके तो मैंने चूल्हे पे रखा हुआ जो है ना पहले से, हफ प्याली दूध लेके उसमें मैंने मैंगो कस्टर्ड के तकरीबन भर भर के 3 चम्मच डाले हैं। तो दूध का जब बॉयल आएगा उसमें मैं 1/2 प्याली चीनी की डालूँगी। दूध में हल्का हल्का बॉयल आ रहा, अब इसमें हम चीनी डाल के वो पका लेते हैं। तकरीबन 1/2 प्याली चीनी मैंने डाल दी। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी हमारी इसमें डिजोल्व हो गई है, अब हम इसमें ये जो कस्टर्ड है वो हल्का हल्का डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता और साथ साथ अपना चम्मच ही लाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। इसको फ्लेम ऑफ करके हम इसको बिल्कुल ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, फिर फ्रिज में रख के इसको ठंडा करके फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे। जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक हम मैंगो पील ऑफ करके उनका गुद्दा निकाल लेते हैं। इन मैंगोज़ की मैं मैंगो प्यूरी बना लेती हूँ जग में डालकर। प्यूरी हमारे यहाँ पे बनकर तैयार है। यहाँ पर मैं 4 ब्रेड के स्लाइस यूज़ करूँगी। आपने इस तरह के ले लेने हैं, ब्रेड ले लेने हैं बिल्कुल फ्रेश, मीठी ब्रेड लेनी है और मैं ये बिल्कुल फ्रेश है, मैं इसके किनारे नहीं उतार रही। चलें इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। इस तरह का एक बाउल ले लें, स्क्वायर में ले लें, गोल शेप में ले लें, जिस मर्जी शेप में ले लें। इसमें सबसे पहले हम 1 लेयर ब्रेड की लगाएंगे। कस्टर्ड मेरा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया हुआ है, अब मैं इसके ऊपर कस्टर्ड की 1 लेयर लगा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। दूसरी लेयर लगाऊंगी मैं बिस्किट्स की। कस्टर्ड की 1 और लेयर लगाएंगे, दूसरी लेयर लगा लेंगे। फिर ब्रेड लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे मैंगो प्यूरी। देखिए माशाल्लाह से कितनी थिक प्यूरी है हमारी। ग्रेप्स आपने जो लेने हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे लेने हैं, खट्टे नहीं लेने हैं, वरना आपका मीठा ख़राब हो जाएगा। ऐसे मैंगो चंक्स डालेंगे, कस्टर्ड लगा के इसको कवर कर लेंगे। कवर कर लिया, अब मैंने इसकी सजावट करते हैं। थोड़े से मैंगो चंक्स रखेंगे, ड्राई फ्रूट्स हैं, खोपरा है,